वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट देयर। आज है हमारा लास्ट डे कंदबा मालदीव्स में। चेकआउट करने से पहले एक बार और दिखाते हैं आपको ये ब्यूटीफुल आइलैंड और ये ब्यूटीफुल रिजॉर्ट कंदबा। कंदबा का टूर शुरू करने से पहले सबसे पहले वी हैड टू गो टू द टिप ऑफ द आइलैंड जहां थे सनसेट एक्वा पूल सुइट। अरे हम पहुंच गए हैं एक आइलैंड के इस किनारे पे। सुबह के बजे हैं 7 और ये रहा व्यू। और लगून इज़ ऑलवेज काम। यहाँ पे बीच में पानी जो पूरा है सारा काम है। और थोड़ा सा जब और ज़्यादा काम होता है तो यहीं पे ही आपको सारी फिशेस और सारे सी क्रीचर्स दिख जाते हैं। कोई स्पेशली स्नॉकलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हाँ जो अप एंड क्लोज एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली स्नॉकलिंग से ही मिलेगा आपको, और कोई तरीका नहीं है। और जिनसे हमारी कल भी बात हुई थी जो साउथ अफ्रीका से लाए थे लोग, उन्होंने फर्स्ट टाइम स्नॉकलिंग ट्राई करी इस तरीके से पानी के बीच में जाके। पहले वैसे उन्होंने रीफ में जाके खुद से जो ट्राई करते हैं शैलो वाटर में वो तो करी थी। और हम साइकिलिंग कंटिन्यू करते रहेंगे और ये आ गया है लास्ट पॉइंट। वहाँ से घूम के हम जाएंगे आइलैंड के दूसरे लास्ट पॉइंट तक जिसको कहते हैं लैंड्स एंड। और जैसे जैसे हम यहाँ से वहाँ जाएंगे रास्ते में जो भी कुछ आएगा पूरा कंदबा आइलैंड करेंगे आपको एक्सप्लेन। इस टूर के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद हमारे दोनों साइड्स पे थे सनसेट एक्वा पूल सुइट। इस कैटेगरी के इस रिजॉर्ट में सिर्फ दो ही रूम्स हैं। Never let the kid inside you die. जैसे कहावत है, अपने अंदर का बच्चा कभी मत मारने दो। जितने भी rooms इस jetty के दोनों sides पे हैं, वो हैं aqua villas. इसमें दो categories हैं, एक है with jacuzzi and the other one is without jacuzzi. अब यहाँ से हम आगे चलेंगे, so let's hurry क्योंकि time है कम, पकड़नी है वापसी India की flight. Let's go. Aqua villas को cross करके हम island के उस point पे गए जहां थी तीन मेजर लोकेशंस। एज यू गेट डाउन फ्रॉम द एक्वा विलास तीन पॉइंट आते हैं। एक पूल आता है स्विमिंग पूल विद द कॉकटेल बार। यहाँ आता है स्मोक्ड ग्रिल रेस्टोरेंट और यहाँ आता है जेस्ट ब्रेकफास्ट के लिए बुफे और कैजुअल डाइनिंग। और ये स्मोक्ड की एंट्री को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे सबसे पहले आपके राइट में आता है ये ऑसम स्टफ स्टोर जहाँ पे आपको मिलते हैं सुविनियर्स, हैट्स, कैप्स, थोड़े से स्विमिंग कॉस्ट्यूम, सनग्लासेस और बच्चों के लिए काफ़ी सारे टॉयज। इसी के साथ है अरोमा आर्ट कैफे, यहाँ पे आर्ट क्लासेस होती हैं। और यहाँ पे है एक अमेजिंग सी लेक विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक लेक होगी यहाँ पे जहाँ पे फिश फीडिंग होती है शाम को 5:15 बजे और वो फिश को फीड करते हैं और आप देख सकते हैं फिशेज। एंड आई शो यू वन मोर। Unfortunately, Aroma Cafe was shut, but this is how it looks.
और अरोमा कैफे के ऑपोजिट है आर्ट स्टूडियो। दिस इज द ब्यूटीफुल लेक। एंड जैसा कि आपको हमारी दूसरी वीडियो अगर आपने नहीं देखी, जिसमें हमने कंपेयर किए थे व्हेन मेकिंग द डिसीजन फॉर द रिजॉर्ट, छोटा या बड़ा आइलैंड, उसका लिंक रहा ये। अगर आप चूज करते हैं बड़ा रिजॉर्ट, उसमें ये बहुत बेनिफिट है कि इस टाइप के आपको कहीं अंदर पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। सो लेट मी शो यू, जो ये सीटिंग है, आप अपनी आर्ट क्लास बुक कर सकते हैं और एट द सेम टाइम ये सीटिंग यहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी प्रो टिप जो मैंने अपने इंटरनेशनल ट्रैवल जब लाइफ में शुरू किया, तब से मैंने सीखनी शुरू करी और मैं हमेशा रेकमेंड करता रहूँगा वीडियोस में, वो ये कि हम जिस भी कंट्री में जाएं, जिस भी टूर पे जाएं, अपनी जो बुकिंग्स हैं वो पहले करके रखें। व्हेन आई से प्री बुक, आई मीन द फैसिलिटीज ऑफ द होटल। इवन इफ आपने किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाकर डिनर भी करना है, आप पहले से उसकी बुकिंग करा के रखें, बिकॉज बुकिंग रिजर्वेशन ईजिली नहीं मिलती हैं। थोड़ा सा आगे चलते ही आता है मेडिकल क्लिनिक, और आजकल के टाइम पे ये फैसिलिटी यूज़ होती है आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए। तो जब भी आपकी फ्लाइट हो, उसके दो दिन पहले यू हैव टू रिपोर्ट हियर फॉर योर सैंपल कलेक्शन। और हेल्थ क्लिनिक के एकदम ऑपोजिट से शुरू हो जाते हैं स्काई स्टूडियो और बीच स्टूडियो। ये वो कैटेगरी ऑफ रूम्स हैं जिसमें स्काई स्टूडियो फर्स्ट फ्लोर पे है और बीच स्टूडियो, एज द नेम सजेस्ट, बीच के ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे है। थोड़ा सा आगे चलते ही राइट में आता है बर्न फिटनेस पवेलियन, ये जिम है। दिस इज द फिटनेस फैसिलिटी जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं कभी भी ड्यूरिंग द डे और नाइट, एज दिस इज ओपन 24 आवर्स। और वर्कआउट सेशंस के लिए देयर इज अ स्विमिंग पूल एज वेल। एंड ऑफ कोर्स मालदीव्स में जहां भी आप जाएंगे, आपको ओपन शॉवर जरूर मिलेगा। बर्न स्टूडियो जैसे हमने क्रॉस किया, उसी के साथ आ जाता है ये एस्केप स्पा। सो इस पूरे मेन रोड पे लेफ्ट में सबसे लंबा स्ट्रेच जो रूम्स का है, वो है स्काई स्टूडियो और बीच स्टूडियो का, बिकॉज कंदिमा में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रूम्स अगर किसी कैटेगरी के हैं तो वो हैं बीच स्टूडियो और स्काई स्टूडियो। एस्केप स्पा से आगे निकल के वी कम टू अ पॉइंट जहाँ पे एज यू कैन सी मेरे लेफ्ट में हैं स्काई स्टूडियोज एंड बीच स्टूडियोज, और यहाँ पे रोड डिवाइड हो जाता है जिसमें राइट साइड पे आते हैं ओशन पूल विलास। और थोड़ा आगे जाके रोड अगेन डिवाइड्स इनटू टू, जिसमें द रोड ऑन द राइट कंटिन्यूज टू हैव मोर ओशन पूल विलास, बट हमने जाना था लेफ्ट जहां आएगी हमारी नेक्स्ट लोकेशन कैंडीलैंड, जो बच्चों के लिए है एक एक्टिविटी सेंटर एंड एन अम्यूजमेंट पार्क। अब ये साइकिल टूर थोड़ा हमें लगा था टायरिंग, बिकॉज ये रिजॉर्ट बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं यहाँ पे कवर करने के लिए, बट वी स्टिल कंटिन्यूड आवर जर्नी एंड वी मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट लोकेशन। सो मेन रोड से थोड़ा सा ही लेफ्ट आने के बाद हियर कम्स फ्लेवर, ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए। जैसे वहाँ पे जेस्ट है, यहाँ पे फ्लेवर है। एंड इसी के बैंग ऑपोजिट है हमारा डेली कैफे। यहाँ पे सैंडविचेस मिलते हैं, ब्रेड्स, फ्रूट्स, अगर आप अपने साथ लेके जाना चाहें वेजिटेबल्स, वो सब यहाँ पे आपको मिलता है। और जो ये डेली कैफ़े है, इसकी जो कॉस्टिंग होती है, अगेन यूएस डॉलर में होती है, तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है यार वर्थ इट नहीं है इतना ज़्यादा एक सैंडविच खाने के लिए। बट हाँ, अगर आप ऑन द गो हो, आइलैंड पे एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आपको रुक के एक सैंडविच लेना है, तो ठीक है, दैट इज़ वेल एंड गुड। और एक प्रो टिप जो हनीमून पे स्पेशली लोग आते हैं उनके लिए, वो वंडर करते हैं कि यार जो यूट्यूब वीडियोज़ में या इनकी प्रमोशनल एड्स में मालदीव्स की दिखाते हैं कि बीच पे एक सेपरेट टेबल लगा हुआ है, कैंडल लाइट डिनर हो रहा है, उनके लिए मैं दिखा देता हूँ कि कॉस्टिंग और किस तरीके से वो होती है। तो इसका नाम उन्होंने रखा है ओ सो स्टाइलिश डेस्टिनेशन डाइनिंग। इसमें आपको मिलता है ये बीच ग्रिल, $170+ का मतलब है 22% टैक्स, 12 + 10, दो टाइप के टैक्स लगते हैं यहाँ पे।
और ये आपको $170 प्लस 22% टैक्स में मिलेगा। एनी टाइम बेंटो पिकनिक, ये पिकनिक का हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे बेंच पड़ा हुआ देख रहे हैं, और बेंटो इज़ हेल्दी फूड, जापनीज़ मोस्टली कल्चर से आया है ये। तो इस टाइप से अगर आप डे टाइम में कहीं पे पिकनिक करना चाहें तो ये है अगेन 170 प्लस। एंड बीच लॉबस्टर जो है वो भी अगेन ये रोमांटिक जैसी सेटिंग के अंदर वो आपको करवा के देंगे अरेंजमेंट, विच इज़ $210 प्लस 22% टैक्स। और नेक्स्ट जैसे हम घूम जाते हैं इस तरफ, माई फेवरेट प्लेस ब्रीज पूल बार। तो ये बार यहाँ से शुरू होता है और ये रहा इसका पूल, और इट गोज ऑल द वे टिल द एंड देयर। और सामने है ओशन। और सबसे अच्छी बात ये है इस बार की कि यहाँ पे लाइव म्यूज़िक का भी अरेंजमेंट है। देयर इज़ अ स्टेज देयर, आपने हमारी वीडियो में देखा होगा कि हमने दिखाया है एक लाइव शो होता हुआ, वो सामने बार है जहाँ से आप टॉल्स ले सकते हैं। यू कैन स्टे इन द पूल, एंजॉय योर कॉकटेल्स, योर ड्रिंक्स। 580 गेस्ट हैं इस टाइम रिजॉर्ट में, बट स्टिल कभी भी हमें ये जगह फुल नहीं मिली। देयर वाज ऑलवेज स्पेस अवेलेबल टू सिट। और सामने वो फेमस झूला है जो मैंने आपको बताया है, जो मालदीव्स में यूजली होता है, जिसपे केफ और कंडिमा लिखा हुआ है। थोड़ा सा आगे निकलते ही आता है बाइक शैक। यहाँ से आप रेंट कर सकते हैं अपनी बाइक्स, साइकिल्स, जो मिलती हैं आपको $5 पर डे के रेंट पे। यहाँ पे आप जाके डिस्प्ले में देख सकते हैं सारी साइकिल्स। और सिर्फ बाइक रेंट पे लेना ही नहीं, बाइक रिलेटेड कोई भी इश्यूज अगर आपको होते हैं जैसे हमारे साथ हुआ, उन सब के लिए आप बाइक शैक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाइक शैक के एकदम कुछ 10 कदम चलने के बाद आता है कूल स्टफ। यहाँ बेसिकली आपको मिलता है बीच वेयर, स्लिपर्स, हैंड बैग्स एंड बीच मैट्स। और राइट ऑपोजिट कूल स्टफ है हमारा स्नैप। स्नैप ये इनका स्टूडियो है, यहाँ पे आप प्री बुक कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू गेट योर सेल्फ क्लिक्ड। फैमिली फोटोग्राफी कराना चाहते हैं सो यू हैव टू कॉन्टैक्ट स्नैप। स्नैप से थोड़ा ही दूर चल के वी कम टू द रिसेप्शन। वहां से होती है आपकी मेन एंट्रेंस जेटी के बाद। वहां से आप अपने सी प्लेन और स्पीड बोट से आते हैं। दिस इज द एंट्रेंस वे यू कम, जहां मिलता है आपको कंदिमा का स्टाफ। और जब आपका चेक इन प्रोसेस पूरा हो जाता है, यू हैव टू कम टूवर्ड्स दिस साइड ऑफ द रिसेप्शन, जहां वेट करती है आपके लिए आपकी बस और लेके जाती है आपको आपके रूम्स में। और लास्ट स्पॉट जो है वो है एक्वाहॉलिक्स, जहाँ पे सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं। एंड मिस्टर हुसैन, फैंटास्टिक मीटिंग यू, थैंक यू फॉर ऑल द लवली एक्टिविटीज एंड होपफुली विल कम बैक अगेन सून। तो ये है हुसैन जी, जिन्होंने हमारे को हेल्प करी सारी एक्टिविटीज़ के अंदर, हमारे साथ गए पेपर वर्क, और बहुत ही एक्सपर्ट और अच्छी टीम है यहाँ की। रिसेप्शन और एक्वाहॉलिक्स से थोड़ी ही दूर है दो अमेजिंग लोकेशंस। नंबर वन सी ड्रैगन, जो है एशियन क्यूजीन रेस्टोरेंट। और उसी के साथ है फॉरबिडन बार। और ऑलमोस्ट ये है आइलैंड की स्टार्टिंग, बेसिकली रिजॉर्ट की स्टार्टिंग। आइलैंड जाता है ऑल द वे और आगे, जिसमें आपको लगते हैं 20 से 25 मिनट्स की वॉक, जो एक लैंड्स एंड है। काफ़ी ब्यूटीफुल सी लोकेशन है, बट क्योंकि आज लो टाइड है हम वहाँ नहीं जाएंगे। जो लैंड्स एंड है उसके इन्होंने बहुत फैंसी नाम रखे हुए हैं, कोकोनट ग्रूव और वो सब। वहाँ पे एक ऐसी फील आती है कि अगर इस आइलैंड पे कोई रिजॉर्ट होटल ना होता तो ये आइलैंड कैसा होता। और वैसा ही आपको दिखेगा, एकदम नेचुरल, चारों तरफ सिर्फ कोकोनट ट्रीज और बीच। और अगर लो टाइड होती है तो कई बार आपको एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाने के लिए एक लंबा सा बीच भी मिल जाता है, जहाँ पे कभी कभी एंकल हाई या नी हाई पानी होता है, आप क्रॉस कर सकते हैं। Although be careful when you do such things. और secondly, इस point के बाद बस भी नहीं जाती है, पर अगर आप वहाँ चल के जाना चाहें, 15 से 20 मिनट की वॉक है, और वहाँ पे एक emergency फ़ोन है just in case अगर आपको कोई help चाहिए हो तो। Reception के दूसरी साइड है the amazing sunrise beach pool villas। और इनके opposite हैं सनसेट बीच पूल विलाज।
और कंदिमा का पूरा टूर करने के बाद हम मिले उस कपल से जो है कंदिमा में 365 डेज के लिए। यस, आपने सही सुना, सितंबर 2020 लॉकडाउन के बाद व्हेन कंदिमा रीओपन्ड, उन्होंने एक कॉन्टेस्ट रन किया जिसका नाम था 365 डेज इन पैराडाइज, जिसमें वेरियस स्टेजेस क्लियर करके टॉप 15 फाइनलिस्ट को एक वीडियो क्रिएट करनी थी 1 मिनट की ड्यूरेशन की, जिसमें वो ये बताते कि वो 365 डेज कंदिमा में करेंगे क्या। दे वर दी ओनली कपल पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो इनको मिले बहुत सारे वोट्स और इनकी वीडियो हुई सिलेक्ट, और अब 365 डेज वो रह रहे हैं कंदिमा में फ्री ऑफ कॉस्ट। फाइनली टाइम हैड कम टू से गुड बाय टू कंदिमा, विच इन माई ओपिनियन इज हेवन ऑन अर्थ।